हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे होंगे कि पैट का एग्ज़ाम, यूपी पैट का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग कराने के लिए जा रहा है और ये पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लिए जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है कि ग्रुप सी की लगभग सारी पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम को वैलिड किया है यूपी गवर्नमेंट ने। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, एप्लीकेशन भी फाइल किए जा रहे हैं, बट सिलेबस काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसमें दे रखा है। क्योंकि हम जनरली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाते हैं ना, उसमें एग्ज़ाम में जीएस एक मेजर पार्ट रहता है, उस जीएस में हिस्ट्री भी लिख दिया, ज्योग्राफी भी लिख दिया, लगभग सारे टॉपिक्स लिख दिए, तो बच्चों के मन में एक संदेह बना रहता है कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि हिस्ट्री तो आईएएस की तैयारी करते हैं तब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लगभग उसी लेवल पर जाके पढ़ते हैं, इसमें भी उन्होंने उसी तरीके से डिफाइन कर दिया है। तो हम इस एग्ज़ाम का डिटेल देखेंगे और एनालिसिस करेंगे सिलेबस की और कैसे इस सिलेबस को कवर किया जाए। स्मार्ट तरीके से इस एग्ज़ाम को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्मार्टनेस के साथ आप बहुत डिटेल में पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इवन कोर्स सिलेबस जो आपका है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लेते हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है, पहले प्री एग्जाम जिसको पैट नाम दिया गया है, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस टोटल होने हैं और ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस होंगे और आपको उसका उसमें आंसर, सही आंसर जवाब देना होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय है, 120 मिनट में ये पेपर आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब आपका तुक्का भी नहीं चलेगा। जनरली बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट से जाते हैं कि ठीक है 60-70% क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा, 30% में बाकी के गोले भर के आ जाऊंगा, कुछ तो सही हो ही जाएंगे, बट यहाँ पर रिस्क ही होगा। पहले हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं तो वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है और आप मेरिट से बाहर भी हो सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी रखे हो, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे वो आपका फ्यूचर में काम आएंगे, नेक्स्ट लेवल में काम आएंगे। तो माइनस मार्किंग है, दैट मींस हमें ब्लाइंड होके जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं आता है किसी क्वेश्चन के बारे में तो उसको हमें टच भी नहीं करना है। बट जहाँ पर 50-50 रेशियो है, चार ऑप्शंस हैं, चार में दो ऑप्शंस में हमें कुछ कंफ्यूजन है, तो हम एक ऑप्शन पर ट्राई ले सकते हैं। ठीक है, मेन एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे तो ऑनलाइन एग्जाम ये आसानी से करा सकते हैं। स्ट्रेटजी आगे देखते हैं। ओके, इस एग्जाम में कंपोजिशन देख लेते हैं, पेपर का क्या क्या चीजें आएंगी। जर्नल हिंदी एंड अनसीन पैसेज, जर्नल हिंदी एंड अनसीन पैसेज, ये हिंदी और हिंदी का कोई गद्यांश ही आएगा, पद्यांश बहुत कम आता है एग्जाम में। तो जर्नल हिंदी में क्या क्या ग्रामर को, मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह का संधि विच्छेद, समास, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक कोई पैसेज भी होगा। टोटल 15 नंबर का आपका हिंदी का वेटेज है इसमें। फिर आ जाते हैं, 5 नंबर का इंग्लिश का भी इसमें रखा गया है, ये देखने वाली चीज है, 5 नंबर इंग्लिश का भी है और इंग्लिश का आगे हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे क्या इंग्लिश में ये पूछेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रीजनिंग फिगर एंड ग्राफ, इसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में इसको ले लेंगे, 30 नंबर का ये है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स है।
कुछ रीजनिंग का है और फिगर एंड ग्राफ्स, फिगर एंड ग्राफ्स को भी हम मैथमेटिक्स के ही टर्म में ले लेंगे क्योंकि इसमें एक टेबल दी हो गई और टेबल से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे तो जनरली मैथमेटिक्स में ही कवर हो जाते हैं। और फिर जनरल नॉलेज, ये मेजर पार्ट है, 50 नंबर का है। और इसमें स्ट्रेटजी क्या है, देखिए आप 50 नंबर में जर्नल स्टडी, जर्नल नॉलेज की एक खास बात है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप सारी बुक्स पढ़ लेते हैं जो भी अवेलेबल बुक्स हैं, आप 50 में 50 कभी नहीं ला पाएंगे, आपका मैक्सिमम स्कोर 45 और 40 के बीच में होगा, काफी एफर्ट कर लेते हैं। लेकिन आप एवरेज मेहनत भी करते हैं और बड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं तब भी आप 35 स्कोर तक पहुंचेंगे। 35 और 45 इन दोनों स्कोर को प्राप्त करने में आपकी मेहनत का बड़ा फर्क है। 35% आप हो सकता है 35 मार्क्स आप केवल 2 महीने में सही से तैयारी करके ला सकते हैं यदि आप स्मार्टली तैयारी करते हैं, बट 45 के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल की रिग्रस मेहनत चाहिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत चाहिए। तो इसलिए हमारा जीएस में टारगेट रहेगा कि हम 35 और 40 के बीच में अपना स्कोर पहुंचाएं यदि हमें 2 से 3 महीने में एग्जाम की तैयारी करनी, लेकिन इसके लिए हमें काफी स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल सिलेबस को हम देख लेते हैं। सॉरी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आयोग ने क्या क्या चीजें बताई हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। अब यदि आप सिलेबस आईएएस का भी उठा के देखेंगे ना, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम का भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी यही सारी चीजें हैं। तो हमें कैसे क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें इंडस वैली, वैदिक संस्कृति, इनके सभी के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्ट पर फोकस करना है जो काफी ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, तो जिस तरीके से हिस्ट्री का इन्होंने क्रोनोलॉजी दे रखी है, इनका पर्पस ये है कि जो मैन मैन डायनेस्टी रही, मैन मैन जो डिफरेंट डिफरेंट एरा में जो भी राजा हुए, इंपॉर्टेंट राजा हुए, इंपॉर्टेंट जैसे सल्तनत काल में, मुगल साम्राज्य में, जिस तरीके से उन्होंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया, तो हमें फोकस करना है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। बट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इतने ज्यादा हो जाते हैं यदि आपने सही से उनकी तैयारी नहीं की, तो आप फैक्ट में इतने ज्यादा उलझ जाएंगे कि मुश्किल हो जाता है फिर पेपर में एग्जाम क्वेश्चन को कर पाना। ठीक है, तो इन्होंने हिस्ट्री में सारा पार्ट लिया है, एंशियंट हिस्ट्री भी है, आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास भी है, और आप देख रहे हैं इधर मध्यकालीन इतिहास भी है। ठीक है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इसके अलावा ये तो हो गया, इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन पर भी फोकस किया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस पर भी इससे क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, आप बहुत ही एक स्ट्रेटजी बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि ज्यादातर इन एग्जाम्स में यूपी के जो भी छोटे एग्जाम्स हैं, ग्रुप सी या ग्रुप बी के जो भी एग्जाम है, इनमें क्या होता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरे पेपर्स में वो क्वेश्चन होते हैं या ऐसे फैक्ट होते हैं, जनरली आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो उस पर आपका कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा ही, इस तरह के, तो उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपके जो टीचर हैं शेखर भैया, उन्होंने मेरे से बोला था कि आप एक बार सिलेबस का
प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर दें तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो मैं बता दूंगा, इसके अलावा टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर भी मैं फोकस करूंगा। स्वाधीनता आंदोलन के स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये स्टार्टिंग में हमारा 1857 से इसकी हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, और फिर नरम दल, गरम दल, फिर आपका गांधी योग, ये सारी चीजें हैं, फिर जो जो हमारे लीडर्स रहे उनका क्या रोल रहा, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट रहे, आंदोलन रहे, उनके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हैं। मतलब हर चीज इस एग्जाम में, हर चीज इन्होंने रखी है, ऐसा नहीं है कि आप सिंपली, क्योंकि जीएस में हम डिफाइन नहीं कर सकते, जीएस में हमेशा काफी एलोबरेट आपका सिलेबस होता है, बट आपकी स्मार्टनेस है, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं कि उसको कवर कर लें कम समय में। तो क्या क्या चीजें हैं, 1947 से 1991 तक का हमारा इकोनॉमी क्या थी, आपको मालूम है, इससे 1947 से 1991 तक हमारी इकोनॉमी एक तरीके से बंद इकोनॉमी थी, हमने बाहर से आयात और निर्यात पर बहुत लिमिटेशंस लगा रखी थी, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। 1991 में हमने कॉन्सेप्ट एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम पहुंचे थे। उसके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आई थी। तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे, 1991 के बाद फिर क्या प्रोग्रेस रही वो उससे क्वेश्चंस होंगे। आप देख रहे हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना है, ये हमेशा हॉट टॉपिक रहा है। फिर इकोनॉमी, जो हमारा इकोनॉमी का किस तरह का मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी स्कोप है और पब्लिक सेक्टर का भी बड़ा रोल है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जहां पर हमने अनाजों के उत्पादन में कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त की और हम सरप्लस को बाहर एक्सपोर्ट भी करने लगे। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड हमारा जो दूध की क्रांति हुई, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, सुधार वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब एक टॉपिक और इसमें जोड़ा गया है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस इस टॉपिक से ही बनेंगे, कि 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जो रिफॉर्म्स हुए आफ्टर 2014 मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, उन सुधारों, एग्रीकल्चर में क्या सुधार हुए, अभी आपने देखा होगा कि 3 बिल जो एक्ट बन गए काफी ज्यादा चर्चा में है, उनका विरोध भी हो रहा है, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रोड्स में, हमने क्या बोलते हैं, काफी जगह मेट्रो का एक्सपेंशन किया, नई ट्रेन्स चलाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफी काम किया लास्ट 6-7 साल में, तो उनका भी हमें पढ़ना होगा। फिर लेबर रिफॉर्म्स हैं, श्रम सुधार, ये भी हमें पढ़ने हैं, और आर्थिक सुधार में ओवरऑल जो रिफॉर्म्स आ जाएं, जीएसटी आया, इसी तरीके से और भी चीजें जो हुई हैं पिछले 6-7 साल में, और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे टॉपिक, इनसे क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ पॉलिटी, पॉलिटी का पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 नंबर का आना है, अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की आनी थी, और पॉलिटी के क्वेश्चन 5 नंबर के आने हैं। पॉलिटी में जो हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन काफी सरफेस लेवल के होते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं,
यदि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप इस स्थिति में होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और लोक प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कर पाए। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो मौलिक अधिकार, ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये इवन प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में चीजें कहां कहां से ली गई हैं उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जब टॉपिक में डिटेल करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीत निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनसे क्वेश्चन कन्फर्म होता है, कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से चीजें करने की जरूरत है, और ये सारा कोर्स 2 महीने में हो सकता है। फिर हमारा फेडरल सिस्टम के बारे में, हमारा जो भी केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध जो है उनके बारे में, हमारी न्यायपालिका के बारे में, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिक समझ के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या चीजें हैं, स्थानीय निकाय और पंच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है इससे भी एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। स्थानीय निकाय का कॉन्सेप्ट कब आया, कब ये प्रॉपर तरीके से संस्थागत तरीके से आगे बढ़ा, ये सारी चीजें पूछी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटी का पार्ट हो गया। 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के इसमें प्रश्न होंगे टोटल। साइंस में इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, साइंस में सीधी तरीके से इन्होंने बोल दिया है कि ठीक है, साइंस में भौतिक विज्ञान भी होगा, रसायन विज्ञान भी होगा और जीव विज्ञान भी होगा। तो स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया है कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें भी हमें बहुत ही ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें उन क्वेश्चंस पर, उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो काफी बेसिक हैं और एक कॉमन मैन को आने भी चाहिए। एक जर्नल स्टडी इसीलिए इसको बोला जाता है, सामान्य अध्ययन, सामान्य रूप से आपको जिन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्पेशली यहाँ पर क्वेश्चंस ज्यादा जो होने के चांसेस हैं, बायो का पार्ट हमेशा ज्यादा होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दैनिक रोजमर्रा में जो हम चीजें देखते हैं उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं पूछी जाएंगी। जो क्वेश्चंस ज्यादातर जो होंगे वो डेली रोजमर्रा में जो चीजें हम देखते हैं उनसे होंगे, जैसे सिंपली पता लगा ग्रेविटी से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई किस प्रिंसिपल पता लगा, न्यूटन के लॉ में भी जाएंगे तो थर्ड लॉ पूछेंगे, फर्स्ट और सेकंड लॉ नहीं पूछेंगे क्योंकि थर्ड लॉ जनरली बच्चों को मालूम रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत डीप थ्योरी में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर इन्होंने एक जर्नल अवेयरनेस टॉपिक रखा है। जर्नल अवेयरनेस सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों के अलावा क्या की चीजें और हो सकती हैं? आई थिंक एक टॉपिक कोई छूट गया क्या, ज्योग्राफी नहीं आया, मैं एक बार देख लेता हूं। चलो आगे होगा। हाँ, सामान्य जागरूकता, जर्नल अवेयरनेस, ये एक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड वो है जिस पर हमें अलग से कहीं से नजर नहीं जाती, वो उसमें हिस्ट्री का भी कह सकते हैं कुछ पार्ट है, ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का भी है, बट जो चीजें हम रेगुलर किसी एक टॉपिक में ना रख के एक जर्नल अवेयरनेस करके हमने एक टॉपिक बना दिया, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का, ये करंट अफेयर्स का, बट इन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया तो आसानी रहेगी जर्नल अवेयरनेस में हमें क्या क्या चीजें और पढ़नी है। चलिए देखिए, भारतीय संसद, अब देखा जाए तो ये तो पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया तो कुछ चीजों पर हम इस पर डिटेल में जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ लिए, विश्व के संगठन, अब यूनेस्को के बारे में पूछ लेंगे, वर्ल्ड बैंक क्या है उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं,
जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, इस तरह के जो भी हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर है भारतीय पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में थोड़ा डिटेल हो जाएगा। टूरिस्ट प्लेसेस ज्योग्राफी और हिस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे और स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे कि शिमला हो गया, आपके हिल स्टेशंस हो गए, आपके कल्चरल स्टेशंस हो गए, टूरिस्ट प्लेस, उनके बारे में डिटेल करेंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर, ये भी एक काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से हॉट टॉपिक कह सकते हैं, जिसमें कलाकारों के बारे में पूछा जाता है कि बांसुरी वादक कौन है, सरोद वादक कौन है, इस तरह के क्वेश्चन, किसको भारत रत्न मिला, किसको क्या अवार्ड मिला, इस तरह के क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। फिर गेम्स के बारे में है, फिर अपने रिसर्च सेंटर्स जो अनुसंधान संस्थान संगठन है, जैसे इसरो हो गया, ठीक है, और आपका डीआरडीओ हो गया, इस तरह के जितने भी संस्थान है उनके बारे में, फिर बुक्स का डिटेल है, फिर अवार्ड्स का डिटेल है, और फिर हमारे पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज, और ये काफी हॉट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में डिटेल है। तो कोई खास मतलब इसमें बहुत डीप में और बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक से 20-25 क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको अच्छे से आप कर लोगे तो काफी ठीक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में 10 नंबर का करंट अफेयर्स रखा है इन्होंने। 10 नंबर में इन्होंने सब कुछ बोल दिया है। 10 नंबर में जो इंडिया से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है वो भी आएगा, और वर्ल्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स वो भी आएगा। तो इसमें करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में, क्योंकि करंट अफेयर्स भी अपने आप में बहुत वाइड एरिया है। जो नॉर्मली अभी देखते हैं कि यूपी के जितने भी पेपर्स को आप देखें, सब इंस्पेक्टर का पेपर देख लें, इवन लोअर पीसीएस के पहले जो पेपर्स होते थे उनको देख लें, तो सिंपली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। पता लगा वर्ल्ड लेवल पे अफेयर्स पूछ लिए तो उन्होंने लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स पूछ लिए, कोई वर्ल्ड कप कहीं पर हो रहा है उसका जीत लिया, सॉरी कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका डिटेल पूछ लिया, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इस तरह से पूछा, कुछ अवार्ड्स के बारे में, जो जैसे आपका फिल्म अवार्ड्स हैं, ऑस्कर अवार्ड्स हैं और नोबेल प्राइज हैं, तो इस तरह की चीजें ये वर्ल्ड अफेयर्स में, और इंडियन अफेयर्स में भी इसी तरह की अवार्ड्स को पूछ लेंगे, और कुछ स्पेशल कुछ घटनाएं स्पोर्ट्स से जुड़ी हो गई या कुछ और डिटेल हुआ तो वो पूछ लेंगे। बहुत डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स भी अपने आप में बहुत वाइड एरिया है। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो पता लगा कोविड का फुल फॉर्म पूछ लिया, कोरोना वायरस किस फैमिली का है वो पूछ लिया, सार्स कोविड किस किस वायरस से होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, क्योंकि इतना ज्यादा काफी हॉट टॉपिक है तो इसके सरफेस लेवल के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स भी इन्होंने रखा है। अच्छी चीज ये है कि मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताए, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही रखे हैं। ये जो टॉपिक है एक तरीके से ये नंबर सिस्टम को डिनोट कर रहा है। नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज हो गया, फिर कुछ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हो गया, फिर ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट कह सकते हैं, स्क्वायर एंड वर्गमूल, और वर्ग निकालना, रूट निकालना, अंडर रूट, और ये घातांक एंड घात, औसत, एवरेज, मतलब इन्होंने सिंपल सिंपल ही रखे हैं, बहुत ज्यादा सिंपली औसत, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रखे हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, यदि ये कोर्स के विद इन कोर्स ही पूछते हैं तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक दो यहाँ से आ जाएगा, कुछ सिंपल से आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत डिटेल नहीं रखा है, लेकिन एक चीज बता मैं बताऊंगा, 5 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, आप थोड़ा सा
फोकस कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके होंगे यदि आप उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। ये सोचेंगे कि यार मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये 5 नंबर आपके पूरे पूरे चले जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये 5 के 5 नंबर आपके आ जाएंगे। और कोई ऐसा सेक्शन जिसमें आप कंप्लीटली श्योर हो जाए कि 5 नंबर का और 5 के 5 नंबर हम ला सकते हैं, तो आपके सक्सेस में काफी बड़ा योगदान दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या और है। ये रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में इन्होंने क्या रखा है, बड़ा छोटा, कैलेंडर, घड़ी, क्रम एंड रैंकिंग, रिलेशंस, रिलेशंस में आप ये पूछ लेंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ये समूह से भिन्न को अलग करना, ये थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग, मतलब जो नॉर्मली रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स इन्होंने उठा के रख दिए हैं। तो रीजनिंग के भी जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे खास बात है, 10-10 नंबर के 2 सेक्शन इन्होंने रखे हैं, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस। ये ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। टेबल्स होंगी, ग्राफ होंगे, ग्राफ ये टेबल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ टेबल्स दी होंगी, पता लगा कहीं कुछ रेवेन्यू राजस्व से रिलेटेड टेबल दे दी, या किसी और स्कूल के कुछ विद्यार्थियों की से रिलेटेड कुछ टेबल दे दी, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड टेबल दे दी, उनके मार्क्स से रिलेटेड टेबल दे दी, और उन्हीं से उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस बना दिए। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ में भी इसी तरह की चीज़ें वो डाल सकते हैं, मतलब ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। तो इसमें स्पेशली ग्राफ्स के क्वेश्चंस में हमारा परसेंटेज और एवरेज इनका बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी इसमें टॉपिक्स का है, ये टॉपिक्स भी कवर होंगे, तो ये बड़ा मेजर पार्ट है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स हम छोड़ नहीं सकते, यदि हम सोचेंगे नहीं मैथमेटिक्स का पार्ट तो केवल 5 नंबर का नहीं, मैथमेटिक्स अपने आप में यहां पर 25 मार्क्स का हो गया, 25 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया, 20 नंबर ये और 5 पीछे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और 5 रीजनिंग के, रीजनिंग को भी हम एक बार मैथमेटिक्स रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इन्होंने संधियां रखी हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए लिंग्स, तो ये कॉमन टॉपिक्स हैं, कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं है, और यहां पर पैसेजेस भी आएंगे 10 नंबर के, 5 नंबर इधर और 10 नंबर ये, मतलब ये भी एक आसान वो हो गया, यदि आपकी रीडिंग हैबिट है, रेगुलर आप पढ़ते हैं चीजों को, तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं गद्यांश पर रिलेटेड ये आप आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये भी हिंदी का पार्ट आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा। और फिर अंग्रेजी, इंग्लिश का भी रखा है, और इंग्लिश में 2 चीजें इन्होंने रखी हैं, एक तो इंग्लिश ग्रामर और दूसरा पैसेज। तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस में हो सकता है एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हो जाएं, हो सकता है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएं, हो सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, और 1 पैसेज होगा उसमें 2-3 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा फोकस करना है, जो लास्ट टाइम पर पता लगा SSC में जो क्वेश्चंस आए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम सिनोनिम्स, उनके हमने कुछ रिवाइज किए, कुछ पैसेजेस पर हमने काम किया, तो इस पर भी हम 5 में से कम से कम 3-4 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। तो अब ओवरऑल जिस्ट जो है, ओवरऑल जिस्ट देखें तो हमारे लिए GS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 50 मार्क्स का है। सही से मेहनत करते हैं तो यहां पर हम 35 मार्क्स आसानी से किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर हो, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं GS के, 50 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं,
तो 50 में 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, केवल 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, बट वो 40 में एकदम 35-36 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए सफिशियंट है। तो मैं 35 मार्क्स से कोई लेके आता है तो इसको मैं अच्छा मानूंगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग को मिला के 30 वेटेज है, और यहां पे मेरा कहना है कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में गलती का कोई स्कोप नहीं होता है। यदि यहां पर आपकी आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो 30 में 30 ला सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 20 से 25 यदि स्कोर होता है तो ये भी ठीक है, 20 से 25। अब आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी में क्योंकि दो इन्होंने गद्यांश रखे हैं और 5 क्वेश्चन बाकी की ग्रामर के हैं, तो ये भी हमें आसानी से 10 और 12 क्वेश्चन नंबर दिला सकती है। इंग्लिश 5 नंबर की है, यहाँ पर भी हम 3 से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो हम टोटल स्कोर एड करते हैं 35, 25, 10 और 3, तो ये हो गया 60, 70, 73 मार्क्स तब भी हमारे बनते हैं। माइनस मार्किंग और समथिंग कुछ हुआ तो एवरेज 70 मार्क्स से इसमें कोई लेके आता है तो वो मेंस के लिए तो अपनी सीट रिजर्व करेगा ही, और वो वॉलंटियर होगा फाइनली सिलेक्शन का भी। तो आपने देखा ओवरऑल सिलेबस क्या था। इस सिलेबस में काफी डिटेल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है आप बहुत स्मार्टली इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताऊंगा, और स्पेशली मैं कुछ क्लासेस लूंगा, उस क्लासेस में आपको ध्यान ये रखना है, मैं कोई भी चीज बोलता हूँ, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो मेरे अनुभव पर आधारित होगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, मैंने ग्रुप सी के एग्जाम से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक फाइनली क्लियर किया है। मैं एसएससी का एग्जाम मैंने 3 बार फाइनली क्लियर किया, पहले सीएसएस में रहा, फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर रहा, फिर एग्जामिनर में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी फाइनली एग्जाम क्लियर किया, मैंने यूपीएससी का भी 3 बार इंटरव्यू दिया, वो फाइनली सेलेक्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप लगभग सारे एग्जाम दिए, तो मुझे मालूम है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पूरे एग्जाम के करियर में जो आप 8-10 साल की पूरी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो मेहनत करते हैं, जो टाइम निकाला, उस टाइम में मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा, लगभग मैंने काउंट नहीं किया, बट 100 से ज़्यादा मैंने एग्जाम्स में अपीयर हुआ, क्योंकि एक एग्जाम में ही आपके 3 हो जाते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो लगभग 100 से ज़्यादा एग्जाम्स में अपीयर हुआ। तो मुझे मालूम है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो भी टॉपिक मैं लूंगा, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ के लिए कि आपको बहुत मेहनत करना, बट जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, उसके सारे फैक्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू।